दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी सिंगल ब्लेड कार्ट्रिज रेजर्स की, जो हमें इनिशियल स्टेप में हेल्प कर रहे थे ट्रांजिशन करने के लिए ट्रिमर और मल्टी ब्लेड रेजर से ट्रेडिशनल वेट शेविंग की तरफ। अब आपने 1-2 महीने जो है वो जिलेट गार्ड, सेल्फी या स्मूथ वन से शेव कर लिया, एंड नाउ यू फील कंफर्टेबल कि मुझे सिंगल ब्लेड से कैसे शेव करना है वो थोड़ा सा पता पड़ गया। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू एक्चुअली स्विच टू अ डबल एज रेजर। बट इनिशियली यू मे हैव एप्रिहेंशन, आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मैं 700, 800, 1000 रुपये, 2000 रुपये के रेजर्स लूँ और फिर मुझे नहीं जमे तो। दोस्तों, बजट में प्लास्टिक के रेजर्स भी आते हैं और उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। ये फर्दर हमें ले जाएंगे ट्रेडिशनल वेट शेविंग की जर्नी की तरफ। आइए देखते हैं कौन से रेजर्स हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, ये सुपर मैक्स शेवर। अब इसमें टक दिया हुआ है यहाँ पे, ये अवेलेबल होगा या नहीं इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज सुपर मैक्स कंपनी जो है उसके प्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन मार्क है, डिलेमा भी है। बट ये एक एग्जाम्पल है, कभी आपको मिले तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लेड अच्छा लगा बहुत बढ़िया, अगर ये नहीं जमा तो आप दूसरा कोई ब्लेड इस रेजर के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस 28 रुपये है, 28। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है आरके स्टेनलेस का रेजर। मैंने इससे एक स्पेसिफिक वीडियो में भी शेव किया है और इसमें आरके स्टेनलेस का ब्लेड यूज किया था, बहुत प्यारी शेव निकली थी, बहुत मजा आया था। आरके स्टेनलेस मेरे पर्सनली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक शेव मुझे बहुत अच्छी देती है एंड आई एम कंफर्टेबल विथ इट। सो ये इस तरीके का रेजर है, ब्लू कलर का, ये भी यूज कर सकते हैं आरके स्टेनलेस का। इसका प्राइस भी लगभग 20 से 25 रुपए के आसपास होगा। नेक्स्ट इज जॉरिक का रेजर दोस्तों। इसमें जॉरिक की सुपर प्लैटिनम ब्लेड आती है। नाउ अगेन, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सुपर मैक्स कंपनी, सो इसके अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क तो है, बट आपको अगर ये कभी मिल जाए तो आप जरूर ट्राई करने का सोच सकते हो। 23 रुपए का ये है एंड इन एडिशन टू दिस यू गेट 5 ब्लेड्स। ओके, जनरली 5 ब्लेड्स होते हैं सो ऐसे इस टाइप के रेजर्स के साथ में। ये भी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में दोस्तों ये प्रो 500 का भी है। अगेन इसमें रेजर है, 5 ब्लेड है। एंड दिस इज ऑफ 30 रुपीज, 30 रुपए का ये है। इस तरीके का दिख रहा है ये रेजर, प्लास्टिक का ही है। मोर और लेस सेम ही मैं अज्यूम करूंगा कि रहेंगे, बट ये ऑप्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इज ये लेसर का भी क्लिक रेजर, छोटा छोटे हैंडल वाला है, आप कंपैरिजन देख सकते हैं, छोटा हैंडल वाला है एंड ये भी बिल्कुल 20 रुपए का है। इसमें भी जो है वो एक ब्लेड इन्होंने दी है साथ में। वन रेजर एंड वन ब्लेड, ठीक है, ये भी है। एंड द मोस्ट रिलायबल ऑप्शन विच आई हैव ट्राइड सो फार इज जिलेट का ये 7 o'clock परमा शार्प, या सुपर प्लैटिनम वाला भी आता है, ब्लैक कलर का लंबा रेजर आता है। रेजर में तो मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं समझ में आया एक्सेप्ट द हैंडल, बट यहाँ जो ब्लेड होती है इससे जो है डिफरेंस जरूर होता है। नाउ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप इस टाइप के रेजर यूज करते हैं तो आप कौन सी ब्लेड यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप ये रेजर तो इस टाइप का प्लास्टिक का ले सकते हैं लेकिन ब्लेड आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज जो फाइनली जो विस्कर जो बाल आपके कट करती है वो ब्लेड ही करती है। अब प्लास्टिक रेजर्स हैं, हमने देखे डिजाइन इन सब के मोर और लेस सेम ही है, हेड के क्लिक टाइप के रेजर है, इस तरीके से यहाँ पे हम ब्लेड लगा देते हैं और बंद कर देते हैं और फिर हम शेव कर लेते हैं। मैंने डिटेल प्रोसेस जो है वो दूसरे वीडियो में आपको बता के रखा है, लेकिन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लेड मैटर्स। आप कौन सा ब्लेड यूज कर रहे हो उसके हिसाब से जो है परफॉर्मेंस जो है वो रेजर ब्लेड कॉम्बिनेशन का चेंज होगा। आपकी शेव या तो बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके ओके हो जाएगी, या बहुत बकवास होगी, इन तीनों में से कुछ एक चीज हो सकती है। बट मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए कि ऐसा नहीं है कि यार एक ही दो कंपनियों के हैं, काफी सारी कंपनियों के हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ये अगेन प्लास्टिक डबल एज रेजर्स आर नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। इफ यू लाइक देम, दे आर गुड फॉर ट्रैवलिंग, दे आर गुड फॉर यू नो डेली यूज ऑल्सो, काफी लोग उसको डेली यूज के लिए यूज करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वेट शेविंग शुड बी क्लासिक मेटल ट्रेडिशनल रेजर्स। टू पीस, थ्री पीस, या जो भी डिजाइन हो, लेकिन ये अगेन एक ट्रांजिशन के लिए बहुत अच्छा है। बजट में अगर कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट है तो ये भी रेगुलर यूज के लिए यूज कर सकते हैं। 20, 22, 25, 30 रुपए के आते हैं,
ब्लेड्स बार बार हम ले सकते हैं रेजर हमें संभाल के क्लिक टू ओपन फंक्शनैलिटी यूज करना है ताकि ये टूट ना जाए. इट इज ऑल्सो यू कैन यूज फॉर रेगुलर बेसिस इफ यू वॉन्ट एंड इफ यू आर हैप्पी विद इट. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों. कीप अप द गुड शेप. बाय. नमस्कार.